हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल टेकोडॉक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं एप्पल मार्च इवेंट का फुल ऑन रिव्यू। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि एप्पल हर साल में अपने डिवाइसेस को अपग्रेड करता है और सॉफ्टवेयर्स को भी अपग्रेड करता है, तो हर साल की तरह इस साल भी एप्पल अपना मार्च इवेंट करने जा रहा है। हर साल ये इवेंट मार्च में ही होता है दोस्तों, बट ड्यू टू कोरोना वायरस पिछले साल ये इवेंट पोस्टपोन कर दिया गया था, मार्च के बाद हुआ था। बट इस साल हर साल की तरह इस साल मार्च में ये इवेंट होने वाला है जिसमें कि एप्पल बहुत सारी अपनी डिवाइसेस को करने वाला है अपग्रेड। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आपसे एक भी टॉपिक छूट ना जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूट ना जाए। साथ ही उसके बगल का बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी नोटिफिकेशंस तुरंत ही पहुँच सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी से आपको बता दूं कि कौन कौन से डिवाइसेस को एप्पल अपग्रेड करने वाला है, उसके बाद मैं आपको एक फुल ऑन रिव्यू का वीडियो बना दूंगा इस वीडियो के बाद, जिसमें कि मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से डिवाइसेस में क्या क्या अपग्रेड्स होने वाले हैं। फिलहाल मैं बस आपको एक टॉपिक वाइज बता देता हूँ कि कौन कौन डिवाइसेस अपग्रेड होने वाली हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ नंबर वन से। तो नंबर वन पे जो सबसे पहला डिवाइस अपग्रेड होने वाला है वो है हमारा iMac। एप्पल की कंप्यूटर्स बहुत सारी ऑफिसेज में यूज होती है दोस्तों, तो एप्पल अपने इस कंप्यूटर को iMac को बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश बनाने वाला है, जिसमें कि छोटे बेजल्स होंगे, पहले की तरह ज़्यादा बड़े बेजल्स नहीं होंगे, पहले से बहुत ही छोटे बेजल्स होंगे और साथ ही साथ आपको बहुत ही एक अच्छा और सुंदर स्टाइलिश सा लुक देखने को मिल जाएगा इसमें। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर वगैरह में भी होंगे इसके अपग्रेड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी डिवाइस पे। तो दूसरी डिवाइस जिसको कि एप्पल यहाँ पे अपग्रेड करने वाला है एप्पल का एयरपोड्स 3। अभी तक सेकेंड जनरेशन का एप्पल का एयरपोड्स चल रहा था दोस्तों, बट यहाँ पे एप्पल आपको इंट्रोड्यूस करने वाला है एप्पल का एयरपोड्स 3। अब आ जाते हैं तीसरी डिवाइस पे। तो यहाँ पे एप्पल हमारे लिए लेके चला आया है एप्पल आईपैड प्रो का एक न्यू वर्जन, ठीक है। अब चौथे डिवाइस पे आते हैं तो एप्पल हमारे लिए लेके आ गया है एप्पल का लो कॉस्ट वाला आईपैड। एप्पल के आईपैड बहुत सारे लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्टाइलिश लुक में होता है, स्लिम होता है, तो इसलिए एप्पल हमारे लिए जो कि सभी के बजट में आ जाए ऐसा एक आईपैड तैयार करने वाला है, जो कि वो इस अपने इवेंट में इंट्रोड्यूस कंफर्म है कि कराएगा ही कराएगा। और इसके हम अपने बाद वाले डिवाइस पे अगर चले आएँ तो यहाँ पे एप्पल लेके आने वाला है आईपैड मिनी को भी इंट्रोड्यूस करने वाला है वो इस इवेंट में। इसके बाद अगर नेक्स्ट डिवाइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप अगर आप एप्पल लवर हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डिवाइस आने वाली है फ्रेंड्स। एप्पल यहाँ पे लॉन्च करने वाला है एप्पल का अपना टीवी। जी हाँ, आपने सही सुना, एप्पल यहाँ पे एप्पल टीवी लॉन्च करने वाला है जिसके कि दो वेरिएंट्स होंगे। ये गेमिंग लवर्स के लिए भी होगा, जो गेम इसमें खेलना चाहते हैं उनके लिए भी ये होगा। क्यों? क्योंकि वो A12 बायोनिक चिपसेट के साथ एक मॉडल में रिलीज़ कर रहा है और साथ ही साथ दूसरा मॉडल जो वो रिलीज़ कर रहा है वो है A14X बायोनिक चिप के साथ, जो कि अभी तक की लेटेस्ट और एडवांस चिपसेट है एप्पल की, जिसको कि उसने कमिटमेंट करा था कि किसी भी फ़ोन से ये दो गुना फास्टर है, दो गुना नहीं 10 गुना फास्टर है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, सच ऐसा नहीं है, लेटेस्ट फ्लैगशिप वाले फ़ोन से आप उसको कंपैरिजन करके ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, बस हाँ ये जैसा उन्होंने कमिटमेंट करा दो गुना से ज़्यादा ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट चिपसेट है जिसको कि एप्पल अपने इस टीवी में इंट्रोड्यूस कराने वाला है। नेक्स्ट अगर हम गैजेट की बात कर लें या फिर डिवाइस की बात कर लें तो यहाँ पे एप्पल अपने एयरपोर्ट को करने वाला है पहले से इम्प्रूवमेंट। जहाँ पे कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे उस कनेक्टिविटी को यहाँ पे एप्पल करने वाला है सॉल्व। यहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट ये देखेगा कि हो सकता है कि इस वाले एयरपोर्ट में वो अपना नॉइस कैंसिलेशन हटा के कुछ और टेक्नोलॉजी इंक्रीजमेंट करे या फिर उसमें लगाए जो कि पहले से बेटर हो। तो आज के वीडियो में था बस इतना ही फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा, साथ ही में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और इस इवेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट आते रहेगा मेरे पास मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको डाल दूंगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। तब तक के लिए बाय बाय।